पुरातात्विक साक्ष्य चित्र ग्रेवियर अवधि के बाद से इस क्षेत्र के निकटारे की ओर इशारा करते हैं। इतिहासकार सैयद अली नदीम रजावी के अनुसार यह क्षेत्र सुंगा शासन के तहत और फिर सिकरवार राजपूतों के अधीन फला फूला, जिन्होंने खानवा की लड़ाई 1527 तक 7वीं से 16वीं शताब्दी तक इस क्षेत्र को नियंत्रित करते हुए एक किले का निर्माण किया। यह क्षेत्र बाद में दिल्ली सल्तनत के शासन में आ गया और कई मस्जिदों का निर्माण उस स्थान पर किया गया जो खिलजी वंश की अवधि के दौरान आकार में वृद्धि हुई थी। 1999-2000 में चबेली टीला में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई द्वारा की गई खुदाई पर अपने तर्कों को आधार देते हुए आगरा के वरिष्ठ पत्रकार भानु प्रताप सिंह ने कहा कि प्राचीन टुकड़े, मूर्तियां और संरचनाएं सभी एक लुप्त हो चुकी संस्कृति और धार्मिक स्थल की ओर इशारा करती है। 1000 से अधिक साल पहले खुदाई में जैन मूर्तियों की एक समृद्ध फसल मिली, उनमें से सैकड़ों जिनमें एक मंदिर की आधारशिला भी शामिल है जिसमें तारीख भी शामिल है। मूर्तियां भगवान आदिनाथ, भगवान ऋषभनाथ, भगवान महावीर और जैन यक्षिणियों की 1000 साल पुरानी थी, कहा स्वरूप चंद्र जैन, जैन समुदाय के वरिष्ठ नेता। इतिहासकार सुगम आनंद कहते हैं कि अकबर द्वारा अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किए जाने से पहले ही यहां बसावट, मंदिर और व्यापारिक केंद्र होने के प्रमाण मिलते हैं। वह कहता है कि एक रिज पर खुली जगह का उपयोग अकबर ने अपनी राजधानी बनाने के लिए किया था, लेकिन अकबर द्वारा अपनी राजधानी शहर के लिए साइट के विनियोग से पहले उसके पूर्ववर्ती बाबर और हुमायूं ने फतेहपुर सीकरी के शहरी लेआउट को नया स्वरूप देने के लिए बहुत कुछ किया। इटली पेट्रोशियोली इस्लामी वास्तुकला के एक विद्वान और बारी इटली के पॉलिटेक्निक विश्वविद्यालय में लैंडस्केप आर्किटेक्चर के प्रोफेसर नोट करते हैं कि बाबर और उसके उत्तराधिकारी आगरा के शोर और भ्रम से दूर होना चाहते थे और एक निर्बाध क्रम का निर्माण करना चाहते थे। यमुना के मुख्य बाएं किनारे पर उद्यान नाव और भूमि दोनों से जुड़ा हुआ है। पेट्रोशियोली कहते हैं कि जब इस तरह के पलायनवादी परिदृश्यों की कल्पना की जाती है तो स्मारक बड़े पैमाने पर शहर का आयोजन तत्व बन जाता है, आंशिक रूप से एक महत्वपूर्ण स्थान पर इसके उन्मुखीकरण के कारण और आंशिक रूप से इसके विशाल आकार के कारण। बुलंद दरवाजा एक ऐसा आयोजन तत्व था जो 150 फीट की ऊंचाई पर शहर के ऊपर स्थित था और अब यह देश में सबसे पहचाने योग्य मुगल स्मारकों में से एक है। इस जगह को बाबर ने बहुत प्यार किया था, जिसने मुगल सेनाओं द्वारा उपयोग की जाने वाली बड़ी झील के बाद इसे शुक्री धन्यवाद कहा था। बाबरनामा के अपने अनुवाद में एनेट बेवरिज ने उल्लेख किया कि बाबर शुक्री को पढ़ने के लिए एक सीकरी की ओर इशारा करता है। अपने संस्मरणों के अनुसार बाबर ने राणा सांगा को उसके बाहरी इलाके में हराने के बाद यहां एक बगीचे का निर्माण किया जिसे गार्डन ऑफ विक्ट्री कहा जाता है। गुलबदन बेगम के हुमायूं नामा में वर्णित है कि बगीचे में उन्होंने एक अष्टकोणीय मंडप का निर्माण किया जिसका उपयोग वे विश्राम और लेखन के लिए करते थे। पास की झील के बीच में उसने एक बड़ा चबूतरा बनवाया। हिरन मीनार से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर एक शिलाखंड के आधार पर एक बावली मौजूद है। यह संभवतः उनकी जीत की स्मृति में एक प्रसिद्ध एपिग्राफ का मूल स्थल था। अबुल फजल ने अकबरनामा में शहर की नींव के लिए अकबर के कारणों को दर्ज किया, यहां तक कि उसके महान पुत्रों सलीम और मुराद का जन्म सिकरी में हुआ था और शेख सलीम की ईश्वर ज्ञानी आत्मा ने उस पर अधिकार कर लिया था। उसका पवित्र हृदय चाहता था आध्यात्मिक भव्यता वाले इस स्थान को बाहरी भव्यता दे। अब जब उनके मानक स्थान पर आ गए थे तो उनके पूर्व डिजाइन को आगे बढ़ाया गया था और एक आदेश जारी किया गया था कि मामलों के अधीक्षक शहंशाह के विशेष उपयोग के लिए ऊंची इमारतों का निर्माण करे। अकबर 1569 तक उत्तराधिकारी बना रहा, जब उसका बेटा जो जहांगीर के नाम से जाना जाने लगा 1569 में सीकरी गांव में पैदा हुआ। अकबर ने चिश्ती संत शेख सलीम के सम्मान में एक धार्मिक परिसर का निर्माण शुरू किया जिसने जहांगीर के जन्म की भविष्यवाणी की थी। जहांगीर के दूसरे जन्मदिन के बाद उसने अपने बेटे की सहन शक्ति का परीक्षण करने के लिए एक चारदीवारी वाले शहर और शाही महल का निर्माण शुरू किया। शेख सलीम के खानकाह में अपनी राजधानी का निर्माण करके अकबर ने खुद को इस लोकप्रिय सूफी संप्रदाय से जोड़ा और इस संबद्धता के माध्यम से अपने शासन को वैधता प्रदान की। शहर की स्थापना 1571 में हुई थी और इसका नाम सीकरी गांव के नाम पर रखा गया था जो पहले इस स्थान पर था। बुलंद दरवाजा गुजरात में उनके सफल अभियान के सम्मान में बनाया गया था जब शहर को फतेहपुर सीकरी विजय का शहर के रूप में जाना जाने लगा। 1585 में अकबर द्वारा इसे छोड़ दिया गया था जब वह पंजाब में एक अभियान लड़ने गया था। बाद में इसे 1610 तक पूरी तरह से छोड़ दिया गया था। इसके परित्याग का कारण आमतौर पर पानी की आपूर्ति की विफलता के रूप में दिया जाता है, हालांकि अकबर के ब्याज की हानि भी इसका कारण हो सकता है क्योंकि यह पूरी तरह से उसकी सनत पर बनाया गया था। राल्फ फिच ने इसे इस तरह वर्णित किया, आगरा और फतेहपुर सीकरी दो बहुत बड़े शहर हैं, या तो उनमें से लंदन की तुलना में बहुत अधिक है और बहुत अधिक आबादी है। आगरा और फतेहपुर के बीच 12 मील कोस है और सभी तरह से भोजन का बाजार है और अन्य चीजें, जैसे कि एक आदमी अभी भी एक शहर में भरा हुआ है और इतने सारे लोग जैसे कि एक आदमी एक बाजार में है। अकबर ने इसे छोड़ने के बाद 1601 में केवल एक बार शहर का दौरा किया। अकबर की मृत्यु के 4-5 साल बाद विलियम फिंच ने कहा, यह सब बर्बाद है, लिखते हुए, एक बेकार रेगिस्तान की तरह पड़ा हुआ है। 1616 से 1624 तक बुबोनिक प्लेग की महामारी के दौरान जहांगीर 1619 में 3 महीने के लिए यहां रुका था।
मोहम्मद शाह यहाँ कुछ समय के लिए रुका था और मरम्मत कार्य फिर से शुरू किया गया था। हालांकि मुगल साम्राज्य के पतन के साथ इमारतों की स्थिति खराब हो गई। अक्टूबर 1803 में दौलत राव सिंधिया की बटालियनों का पीछा करते हुए जिराद लेक ने कस्बे में सबसे बोझिल सामान और घेराबंदी बंदूकें छोड़ दी। 1803 में आगरा पर कब्जा करने के बाद अंग्रेजों ने यहां एक प्रशासनिक केंद्र स्थापित किया और 1850 तक ऐसा ही रहा। 1815 में हेस्टिंग्स के मार्क्वेस ने सीकरी और सिकंदरा में स्मारकों की मरम्मत का आदेश दिया। यह शहर 1865 से 1904 तक नगरपालिका था और बाद में इसे अधिसूचित क्षेत्र बना दिया गया। 1901 में जनसंख्या 7147 थी। Thank you.